ओके स्टूडेंट्स, लास्ट जो है हमने डिस्कस किए थे मेमोरी के बारे में, और मेमोरी में हमने देखा था कि कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा है वो स्टोर होता है आपके पास बाइनरी फॉर्मेट में, और बाइनरी फॉर्मेट में डाटा जो है वो सेव करने के लिए हमारे पास जो सा टेबल एक एक कोड यूज़ होता है विच इज़ कॉल्ड आस्की कोड्स, और उसका एक टेबल था जो मैंने आपको कहा था आपने याद करना है कि उसमें से जो कुछ चीज़ें होती हैं उनको फर्स्ट उनके लेटर्स याद कर लें, नंबर यानी कोड उनके याद कर लें, और बाकी ऑटोमेटिकली आप उनसे काम कर सकती हैं। ठीक है, अब आ जाएं जी पेज नंबर 42 पे अपनी बुक के, और देखते हैं कि इसकी एग्जाम्पल आएगी तो आपने किस तरह से ये काम करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने आस्की कोड्स बता दिए थे क्या होते हैं। हर कीबोर्ड का एक कोड होता है हमारे पास, और उसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में, और फिर वो हमारे पास उस चीज़ को नज़र आ रहा होता है। ठीक है, जिस तरह अब यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल आ रही है कि वो कह रहे हैं टू स्टोर नेम ऑफ ओवर कंट्री पाकिस्तान इन कंप्यूटर्स मेमोरी वी नीड टू स्टोर ऑफ ईच लेटर इन 1 बाइट। आपको पता है कि 1 बाइट कितनी होती है आपके पास? 8 बिट्स पूरी होती हैं, तो आपने इसमें 8 बिट्स या 1 बाइट पूरी करनी है। एज द वर्ड पाकिस्तान कंटेन 8 लेटर्स, सो 8 बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज। ठीक है, अब उन्होंने कहा क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टोटल 8 बिट्स को क्या कर रहा होता है, कंटेन कर रहा है, इस वजह से उसके पास हमें टोटल 8 स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो है हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं और आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले देखें कि आपने पाकिस्तान का, आपको उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान वर्ड है, इसको कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करना है। अब जो आपने आपने तो कीबोर्ड से लिखना है PAKISTAN, पाकिस्तान के स्पेलिंग लिखेंगे और वो कंप्यूटर की मेमरी में जाके सेव हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर की मेमरी में आपको पता है कि वो किस फॉर्म में सेव होता है? हमेशा बाइनरी फॉर्मेट में सेव होता है, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसका इक्विवेलेंट आस्की कोड होता है, और उस आस्की कोड को हम फिर किस में कन्वर्ट करते हैं? बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, साथ साथ आप अपने वो पेज नंबर 42, 41 और 42 पे जो आपके पास आस्की टेबल है उसको साथ साथ सामने रखें ताकि आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, अब देखें आपके पास था वर्ड ह्यूमंस व्यू अबाउट मेमोरी कोड इन डेसिमल एंड कोड इन बाइनरी। ह्यूमंस व्यू जो है उसमें आपको किस तरह लिखेंगे? आप पी लिखेंगे, AKISTAN पाकिस्तान, इस तरह से लिख देंगे। अब पी जो कैपिटल पी है अपनी बुक में देखें, उसके इक्विवेलेंट जो कोड है वो आपको नजर आ जाएगा, क्या है वो? 80। स्मॉल ए के इक्विवेलेंट कोड क्या होगा? 97। स्मॉल के इक्वल कोड है 107। स्मॉल आई के इक्विवेलेंट कोड है 105। स्मॉल एस के इक्विवेलेंट कोड है 115, और स्मॉल टी के इक्विवेलेंट कोड है 1166। और फिर ए से ए रिपीट हो रहा है, तो ए के इक्विवेलेंट कौन सा कोड आ जाएगा आपके पास? 97। और एन के इक्विवेलेंट कोड आएगा आपके पास 1110। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मोस्टली जो इसकी एग्जांपल्स हैं वो कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स में आती हैं या स्पेस डॉट वगैरह के साथ आ जाती है। तो मेन आप लोग ये याद कर लें, कैपिटल लेटर देख लें ए कहाँ से स्टार्ट होता है, और स्मॉल लेटर देख लें ए कहाँ से स्टार्ट होता है। बाकी आपको फिर बाकी अगर कोई वर्ड आ जाता है तो रफ पे एक टेबल बना के आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप ये वाला LCM मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कन्वर्जन मेथड आप लोग पीछे पढ़कर आए और समझ के भी आए किस तरह से सोल्व होना। जिस तरह आप देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, पी क्या कोड क्या था? 80। तो यहाँ पे हमने 80 को क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट किया, और जो आंसर आया उसको हमने बाइनरी में लिख दिया। इसी तरह 97 को कन्वर्ट किया, उसके बाद 107 को कन्वर्ट, 105 को, 115, 116, और ये 97 रिपीट हो रहा था इस वजह से इसको दोबारा नहीं लिखा, और उसके बाद हमने किसको किया, 110 को रिपीट किया। ठीक है, तो अब जब भी पेपर में या आपको क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि उन्होंने कोई भी आपको वर्ड दिया हो या कुछ भी कहा हो कि इसको आस्की कोड में या कंप्यूटर की मेमोरी में सेव करके दिखाएं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसी तरह से इसको काम को परफॉर्म करना, आपने इनको अलग से एक दफा लिखना है, उनके इक्विवेलेंट कोड लिखने, और जोन सा भी कोड होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देना, आपने उसको बाइंड्री में। और बाइंड्री में कन्वर्ट करने का मेथड आपको पता है कि डेसिमल टू बाइंड्री में जाने के लिए हम LCM मेथड यूज करते हैं। इस वजह से मैं इनकी LCM की डिटेल आपको नहीं बता रही क्योंकि आप ये चीजें पहले पीछे से पढ़कर आए हुए हैं। ठीक है, इसकी और एग्जाम्पल देखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आपने स्टोर करना है नेम ए बी स्पेस। अब यहाँ पे स्पेस आ रही है बेटा, तो ये याद रखना है कि स्पेस का भी एक आस्की कोड है हमारे पास। आपने ये नहीं कहना है कि स्पेस को भूल जाना, अगर बीच में डॉट आ रहा है, कॉमा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, हर एक चीज़ का एक लाजमी आपके पास आस्की कोड अवेलेबल है। आपके पास जो बुक में टेबल है उसमें कोई ना कोई उस चीज़ का भी आस्की कोड अवेलेबल है, तो इसलिए आपने उसको जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना, वो साथ बीच में इंक्लूड लाजमी करनी है। ठीक है, ए बी स्पेस एक्स वाई।
ठीक है, ये आपके पास ये स्ट्रिंग थी या ये एक डाटा था जिनको उन्होंने क्या कहा कि आपने कंप्यूटर्स मेमोरी में सेव कराना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसी तरह टेबल बना लें कि ह्यूमंस व्यू किस तरह का होगा, कि ए आएगा, बी फिर क्या आएगी आपके पास स्पेस, फिर एक्स और फिर वाई। अब कैपिटल ए की इक्वलेंट कोड जो है वो है 65, स्मॉल बी के इक्वलेंट कोड है 98, स्पेस का कोड आपके पास 32, कैपिटल एक्स है आपके पास 88 और स्मॉल वाई आपके पास 121। ठीक है, सेम हमें जब ASCII कोड्स पता चल जाएंगे तो बाइनरी में कन्वर्ट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, उसको आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है कि आपने जब उसको कन्वर्जन करनी है तो आपने जो है इसी तरह से आप कन्वर्ट करें उसको। ठीक है, तो ASCII कोड्स आपको नज़र आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, अब आपने उनकी कन्वर्जन भी आपको पता चल रही है कि किस तरह से आपने इनको कन्वर्ट करना है अपने पास। ठीक है, तो ये आपके पास तरीका है उनको आपके पास किसी भी ASCII कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। ASCII कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो मेन चीज़ है वो आपको जो है उसकी आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो उसका ASCII करेक्टर का कोड क्या है, और अगर आपको कोड प्रॉपर पता होगा तो उसी तरह आपने नीचे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और उसके बाद लिख देना, और ये कन्वर्जन क्वेश्चंस में साथ साथ आप लोगों ने करके दिखानी है। ठीक है, मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ये इतना आप लोगों को होगा इतना लंबा शॉर्ट, तो इतना लंबा शॉर्ट ही आपने इसी तरह से इसको लिखना है। ठीक है, हर एक कोड की कन्वर्जन आपने करनी है। हाँ, जो रिपीटिंग नंबर्स हैं उनकी बेशक आप लोग ना करें, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आपने टेबल में उनको लाजमी लिख देना ताकि उनको लिखते वक्त आपको याद रहे। जिस तरह पाकिस्तान में था आपके पास कि ए दो दफ़ा रिपीट हो रहा था, तो आप एक दफ़ा उसकी कन्वर्जन लिख दें, दो दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये थे हमारे पास ASCII करेक्टर की कन्वर्जन। इसी तरह आपको जो है ये बहुत से तरीक़ों से आपके पास कुछ भी वो स्ट्रिंग आपको दे सकती हैं, कोई भी डाटा आपको दे सकते हैं और कह सकते हैं कि आपने जो है अपना उसको कन्वर्ट करना है ASCII कोड में या कंप्यूटर मेमोरी में उसको सेव करवाना। जब भी क्वेश्चन कंप्यूटर मेमोरी में सेव करवाने के बारे में आएगा तो आपने वहाँ से बात समझ आनी है कि आपने उस स्ट्रिंग को किस तरह से काम को परफॉर्म करना है, यानी आपने उसको किस तरह से उसमें सेव करवाना है। ठीक है, अब नीचे एक्टिविटी आ रही है आपके पास 2.6, ये आज आपने करनी है जब आप आफ्टर लेक्चर जब आप तैयारी करेंगे अपनी, कि राइट योर कम्प्लीट नेम एंड गिव इट रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने अपना नाम लेना है, उसको उसके इक्वलेंट ASCII लेना और उसको किसके में कन्वर्ट करना, अपने बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आपने ये काम खुद से करना है, अपनी असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी है, और अगर कोई आपको कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सेम जिस तरह हमने पाकिस्तान को किया इसी तरह आपने अपने अपने नेम को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आप लोगों ने। नेक्स्ट है जी आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस। अब हम पीछे मेमोरी के बारे में पढ़ कर आए कि मेमोरी क्या थी हमारे पास, कि वो फिजिकल डिवाइस थी जिसमें कैपेबल होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। अब जो आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस है वो ऐसी डिवाइसेस होती है जिनमें हम डाटा स्टोर भी कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट यानी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, और ये जो है डिवाइसेस हमारे पास जो डाटा है वो टेम्परेरी और परमानेंट दोनों तरह से होल्ड करती हैं, और दूसरी बात की ये एक्सटर्नली भी होती हैं हमारे पास और इंटरनली भी यूज़ हो रही होती हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस भी बोला जा रहा होता है। जिस तरह USB है, USB भी तो एक स्टोरेज डिवाइस है आपके पास, और आप पीछे पढ़ कर आए कि USB क्या है, प्लग एंड प्ले इंटरफेस है आपके पास, इस वजह से कि वो एक्सटर्नली अटैच होती है, और अगर कोई और हो आपके पास तो वो इंटरनली हार्ड डिस्क है, जिस तरह वो भी आपके पास एक स्टोरेज डिवाइस है, तो वो आपके पास क्या होती है, इंटरनली अटैच होती है, और आप उसको उसमें डाटा सेव भी कर सकते हैं और उसे एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाएं जी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर डेट इज यूज फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग डाटा इज कॉल्ड दी स्टोरेज डिवाइस। इस कैन होल्ड और स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट टेम्परेरी एंड परमानेंट। इट कैन ऑल्सो भी इंटरनल और एक्सटर्नल टू अ कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेज इन अ प्लग एंड प्ले डिवाइस। यानी जो एक्सटर्नल डिवाइसेज होंगी वो कौन सी होंगी आपके पास, प्लग एंड प्ले के उनको लगाओ और उसी वक्त आप क्या कर लो, उनको यूज़ कर लो। जस्ट वी प्लग इट टू सम पोर्ट एंड स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट रनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क और रैम वी नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। यानी आपके पास जो एक्सटर्नल डिवाइसेज होती हैं उसके लिए आपको जो है अपने कंप्यूटर को ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको सिर्फ आप डालते हैं और उसके बाद आप क्या कर लेते हैं, उनको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह आपके पास इंटरनल डिवाइसेज हैं, स्टोरेज डिवाइसेज आपकी
हार्ड डिस्क या रैम, उसके लिए क्या होता है कि आपको पहले कंप्यूटर को बंद करना पड़ता है और फिर आप उन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उनकी फिक्स स्लॉट के साथ, ठीक है। इनकी एग्जांपल कौन सी है स्टोरेज डिवाइसेस की, आपके पास रैम, हार्ड डिस्क, सीडी, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा, ये थी आपके पास स्टोरेज डिवाइसेज। इसकी मार्किंग आपने यहाँ स्टार्टिंग से करनी है, एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेज से लेके आपने करना है, ये फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है, इज अ प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। उसके बाद आपने करना है यहाँ से टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज, और एंड तक आपने इसको काम कर देना, ठीक है। तो और ये आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस थी, और इसके बाद आपने इसकी एग्जांपल साथ लाजमी देनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा। इसके बाद बेटा ये ज़रा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपके पास आ रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेमरी एंड स्टोरेज, मेमरी और स्टोरेज में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। वो देखते हैं कि मेमरी और स्टोरेज में क्या फ़र्क है हमारे पास। सबसे पहला तो मेमरी को देखते हैं कि मेमरी क्या होती है, कि प्लेस वेयर एप्लीकेशन लोड्स इट्स ड्यूरिंग इस डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेसिंग के दरमियान जब एप्लीकेशन लोड हो रही होती है तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, मेमोरी। और स्टोरेज क्या होती है कि वो डाटा जहाँ पे डाटा हमारे शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या है, मेमोरी वो स्पेस है जहाँ पे एप्लीकेशन लोड करती है अपना डाटा प्रोसेसिंग के दौरान, जबकि स्टोरेज क्या है, वो प्लेस है जिसमें डाटा स्टोर होता है हमारा शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरी चीज़ आ जाती है कि मेमोरी जो है वो टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, और स्टोरेज जो होती है हमारे पास क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन अभी हम पढ़ कर आए हैं कि स्टोरेज जो है वो परमानेंट और टेम्परेरी दोनों होती है हमारे पास, तो वो डिफरेंस बनाने के लिए उन्होंने कहा कि मेमोरी जो होती है वो, हमने उसकी एग्जांपल में रैम पढ़ी थी मेमोरी में, तो मेमोरी जो है वो टेम्परेरी है और स्टोरेज जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है। मेमोरी जो है वो लेसर इन साइज होती है, और स्टोरेज जो है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर इन साइज होती है। मेमोरी हाई असेसिंग स्पीड, मेमोरी की हाई असेसिंग स्पीड इसलिए होती है क्योंकि ये सीपीयू के बिल्कुल साथ लगी होती है, जबकि स्टोरेज की लो असेसिंग स्पीड होती है वो इस वजह से क्योंकि ये एक्सटर्नली अटैच होती है, या हार्ड डिस्क अगर आप भी अटैच करते हैं इंटरनली भी तो वो सीपीयू से ज़रा दूर होती है। जो कॉन्सेप्ट है ये सारा चैप्टर 4 में आप लोग पीछे रीड करके आए हुए हैं। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, यानी मेमोरी जो होती है वो आपके पास प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, और स्टोरेज जो होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। ये एक माइनर सा डिफरेंस था आपके पास, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ रहा है, मेयरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, के कंप्यूटर मेमोरी के साइज को मेयर किस तरह से किया जा सकता है। इसमें भी आप ये टेबल पीछे पढ़कर आए थे जिसमें बिट बाइट किलो बाइट मेगा बाइट गीगा बाइट टेरा बाइट और पेटा बाइट की आप लोगों ने पहले से पढ़ी थी, ठीक है। इसमें एक बिट और बाइट की डेफिनेशन आ रही है, उसको मार्क कर लें साथ ही। सबसे पहले ये आ रही है, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इज 0 और 1, इट इज कॉल्ड बिट। ये बिट की डेफिनेशन है कि आपको पता है कि 0 और 1 जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, बिट्स, और कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स हमारे पास क्या बना देती हैं, एक बाइट बना देती हैं, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट, एटलीस्ट 1 बाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स स्टोरेज, ठीक है। फर्स्ट 3 लाइंस में आपके पास ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास बिट की डेफिनेशन है, उसके बाद ये यहाँ से लेके कंप्यूटर स्टोरेज तक का, कलेक्शन से लेके कंप्यूटर स्टोरेज तक आपके पास बाइट की डेफिनेशन है। ऑन बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज डाटा इज स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ बाइट्स। ये आप एमसीक्यू के तौर पर याद रख लें कि जो बोथ आपके पास, चाहे सेकेंडरी मेमरी हो या प्राइमरी मेमरी हो आपके पास, या सेकेंडरी स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज हो आपके पास जो डाटा है वो सेव हमेशा किस फॉर्म में होता है, बाइट्स की फॉर्म में सेव होता है। साइड पे ये टेबल है, ये भी आपने बेटा याद करना है। आपके राइट साइड पे यूनिट्स ऑफ डाटा उन्होंने दिखाए कि बिट क्या होता है, कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा डेट कैन होल्ड ओनली 1 वैल्यू 0 और 1। बाइट क्या होता है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इनफ स्पेस टू स्टोर सिंगल आस्की करेक्टर, यानी हमने ऊपर भी पढ़ा है कि आस्की करेक्टर्स में हमने कितनी बिट्स को सेव करना होता है, 8 बिट्स को सेव करना होता है। उसके बाद उन्होंने आगे आपको वैल्यूज दी हुई है कि 1 KB जो होता है वो 10^24 bytes की इक्वल होता है, MB उसकी पावर 2 bytes, 1 GB उसकी 10^24 की पावर 3 bytes, 1 TB जो होता है 1 10^24 की पावर 4 bytes, और 1 PB पेटाबाइट जो होता है वो 10^24 की पावर 5 bytes होता है। ये टेबल आपने MCQs के लिए याद रखना है, और इसमें से बिट और बाइट की डेफिनेशन को आपने याद करना है, ठीक है। और इसके अलावा, इसके बाद हमने बूलियन अलजेब्रा का टॉपिक था, ये हमने क्लास में पढ़ लिया है। अब जो है इसमें आपने अगर
ये आपको मार्किंग वगैरह मैंने सारी करवा दी थी और मैंने आपको बता दिया था कि आपने किस तरह से करना है। चैप्टर टू जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा, तीन पोर्शंस थे, तीनों पोर्शंस हमने इसके रीड कर लिए हैं। यानी पहला हमारे पास कन्वर्जन थी, दूसरा मेमोरी और स्टोरेज था, और तीसरा ये कंसिस्ट कर रहा था हमारे पास बुलियन अलजेब्रा के ऊपर। तो ये तीनों पोर्शंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो है इंशाल्लाह कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आगे का बाकी काम जो है हम आगे स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग अच्छी तरह से इसकी तैयारी कीजिएगा आज।